सर्वप्रथम तो मैं सभी मीडिया कर्मियों को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि नव वर्ष में हम पहली बार मुलाकात कर रहे हैं और ये नया दशक है, 2020 है। तो कुछ लोग कह रहे थे व्यापम 2.0 है, तो संभवतः ये नया दशक है, तो एक नई मतलब स्त्री से देख रहे हैं लोग। तो ये बेसिकली हम लोग जो है इस जो प्रकरण अभी हम लोगों दर्ज किए हैं, ये हम लोग चार प्रकरण नए दर्ज किए गए हैं। ये चार प्रकरण में एक प्रकरण जो है वो अलग है, ये प्रकरण है स्कोरर वाला, इसके अंदर जो है मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ये पुलिस आरक्षक भर्ती 2013 में हुआ था, ब्रजेंद्र रावत करके एक कैंडिडेट जो है, इसके द्वारा जो हस्ताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं वो हस्ताक्षर OMR शीट्स में जो इस्तेमाल किए गए हैं और जो हस्ताक्षर उनके नमूना लिए गए हैं, दोनों में विभिन्नता है और दोनों अलग व्यक्तियों के होना प्रथम दृष्टया मालूम पड़ा है। इसको देखते हुए अभी एक प्रकरण उसमें दर्ज किया गया है और तीन प्रकरण दर्ज किए गए हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र फर्जी होने के। तो इसमें से पहला प्रकरण जो है ये त्योंथर तहसील जो है रीवा की, इसके अंदर सौरभ सचान का है। सौरभ सचान के द्वारा जो PMT 2009 में परीक्षा दी गई थी उसके अंदर उनके द्वारा तहसील त्योंथर से मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाकर पेश किया गया था और MP का इंसाइडर कोटा का जो इस्तेमाल होता है वो किया गया था। तो ये तहसील द्वारा पत्र भेज कर ये प्रमाणित किया गया कि उनके द्वारा ऐसा कभी पत्र जारी नहीं किया गया है। इसी प्रकार से तहसील हुजूर रीवा में वर्ष 2009 की PMT के अंदर ही बेनजीर शाह फारूकी ये अभ्यर्थी हैं, इनके द्वारा जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है मूल निवासी प्रमाण पत्र, उसको भी तहसील द्वारा प्रमाणित किया गया कि उनके द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र को जारी नहीं किया गया है। तीसरा प्रकरण उपस्थित है ये है विपिन कुमार सिंह का, ये है तहसील गोपद बनास करके है, ये सीधी में है एक तहसील। इसके अंदर विपिन कुमार सिंह जो अभ्यर्थी थे इनके द्वारा PMT 2010 में जो मूल निवासी प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया गया है उसको तहसील द्वारा जारी न करना बताया गया है। तो इस आधार पे हम लोगों ने ये चार प्रकरण इस बार पंजीबद्ध किए हैं और इनकी विवेचना कर रहे हैं। सर, इसमें जो रावत है इसमें 2013 में से परीक्षा दी थी जी, तो उस टाइम इसका सिग्नेचर का मिलान नहीं हुआ था क्या? नहीं, ये प्रकरण जो है ये क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रकरण के थे तो उसके अंदर जांच के अंदर संभवतः कहीं कुछ इसका बाहर रह गया था उस परिधि के अंदर, तो ये बाद में ये समझ में आया कि इसका भी इसके अंदर भूमिका है और उसको लोकेट करके ये चेक किया गया कोई प्रकरण पुराना पंजीबद्ध नहीं है और उसके बाद हम लोगों ने प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया है। नेचुरली इसमें अभी जाँच के अंदर सारे दायरे में आएंगे क्योंकि जो पुराने प्रकरण भी हैं उसके अंदर भी हम और हमारी टीम इसके अंदर सघनता से जांच कर रही है और उसके अंदर जो तत्समय व्यापम के अधिकारी थे या जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस परीक्षा को उन लोगों को नोटिस जा चुके हैं तो उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो ये सब जो है उस समय के अधिकारी थे और जो उस समय की जांच के अंदर भी जो किंचित कयास व्यक्त किए गए थे षड्यंत्र के आपराधिक एकमतता के वो भी हम फिर से एग्जामिन करवाएंगे। इसकी जानकारी भी इकट्ठे कर रहे हैं, अभी रामेंद्र गण से कांटेक्ट नहीं किया था आरोपी से, अब करें। वो दस्तावेज परीक्षण में चूक तो हुई है कहीं ना कहीं? नहीं, ये दस्तावेज परीक्षण मेडिकल काउंसिल करती है, मेडिकल आरक्षक की जो है उसके लेवल पे भी ये जांच की जा रही है कि व्यापम में कोई जो व्यक्ति OMR सीट तो वहीं रहती है ना व्यापम में, तो व्यापम के स्तर पे OMR सीट में कौन इन्वेजिलेटर था, क्यों उस समय चेक नहीं किया गया व्यापम के स्तर की चूक? नहीं, सिलेक्शन का उसमें कोई लेन देन नहीं है, वो तो OMR व्यापम के लेवल पे रहती सुरक्षा। जी, मैंने देखा है, मैंने ये देखा है आज जो प्रेस ने अभी कैरी किया है इस चीज़ को, खबर को, और मैंने उस खबर को देखा था। तो ये एक बहुत प्रणाली बढ़ रही है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके रियल टाइम में जो है जानकारी प्राप्त करके उसको इंद्राज करना पेपरों के अंदर, तो वो पकड़ में वहाँ आ गया है। लेकिन आपने जो बताया उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे इस तार को कि ये क्या कोई फिर से कोई इस तरह की नया गैंग कोई सक्रिय हुआ है जो कि ये काम कराता है, इसको भी हम लोग देखेंगे।
रेस्ट नोट मिल गया सभी को? हाँ ये एक मिनट, पिछले प्रकरणों के फॉलोअप के बारे में कुछ बता रहे हैं? अभी देखिए ऐसा है कि अब तक जो है ये चार प्रकरण मिला के अब तक कुल 10 प्रकरण हो जाएंगे। तो हमारे पास में एक पुराना हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो विवेचना हुई है, उसके आधार पे हम लोग ये पुराने जो रिक्रूटमेंट्स हुए थे उसके अंदर एक लिंक हमको लगती है कौन कौन लोग पुरानी विवेचनाओं के अंदर जिन पे कि संदेह की सुइयां गई थी। ये पुराने केस पड़े हुए हैं 2009, 10, 11, 12, 13, इनकी सुइयां पहले से अपने पास जो विवेचना में ये लगभग क्लियर थी। तो वो चीज़ को हम लोग निकाल के पुनः वो लोग थे क्या वो वही ग्रुप इन्वॉल्व है, कोई दूसरा ग्रुप इन्वॉल्व है, ये चीज़ को हम लोग प्रथम दृष्टया पहले हम लोग सेग्रीगेट करेंगे और वो ये विवेचना का ही ये भाग है इसके अंदर। इसमें विवेचना या तो एसटीएफ ने करी है या फिर बाद में वो हैंडओवर सीबीआई को हुई है। तो जो विवेचना एसटीएफ की थी वो सीबीआई ने लेट टेक ओवर की थी। उसमें जो वैधानिक प्रक्रिया ये होती है कि सीबीआई जो है जब उसका चलान पेश करती है उसके पश्चात में एक नोट भेजती है कि किसी की गलती पाएगी कि नहीं गलती पाएगी, तो उस लोक सेवा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो जैसी वो नोट आता है तो कार्रवाई होती है, तो यदि कोई ऐसी गलती होगी तो प्रकाश में आएगी। और फिर दूसरा पकड़े जा रहे हैं, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, तो ये एक स्तर होता है। सेकंड स्तर क्या होता है कि जब न्यायालय उसको एग्जामिन करता है तो न्यायालय भी उसके अंदर जो है देखता है कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय भी अपने जो है मेंशन करता है कि हमने अपने जो प्रकरण के अंदर हमारे पास जो विचारण हुआ था उसके अंदर ये गलतियाँ नोटिस में आई हैं, तो उन पर कार्रवाई होती है। तो दो तरीके होते हैं प्रकरण के अंदर, कोई गलत किसी विवेचना की है तो उसको पकड़ में लाने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। जी जी, इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह से रह गया। निश्चित रूप से जैसे आप बता रहे हैं कि यदि वो किसी ग्रुप का पार्ट था उस समय और उस विवेचना में आना चाहिए था तो कुछ को लिया कुछ को नहीं लिया, ऐसा क्यों हुआ, ये अगर ऐसा कोई स्थिति बनती है तो उसको नेचुरली एग्जामिन करेंगे हम।